नमस्कार दोस्तों, न्यूज 18 बिहार झारखंड के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। और हमारे साथ इस वक्त भोजपुरी की अदाकारा अक्षरा सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। परिचय की तो मोहताज नहीं है अक्षरा, लेकिन आजकल बहुत सारी चर्चाओं में जरूर हैं और चर्चा का केंद्र बिंदु जो है वो क्या है वो भी हम चर्चा में आपको बताएंगे। अक्षरा, पहले तो हर हर महादेव, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है। महादेव, हर हर महादेव। इस वक्त आपसे जुड़े जितने लोग मुझे देख रहे हैं, उन सभी लोगों को शिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। साथ ही हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे टू ऑल द वुमेन्स आउट देयर। आई मीन अक्षरा, आज चूंकि आपका आपने दिन है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बात की है, तो मैं जरूर जानना चाहूंगी कि भाई कितना बदलाव आप आज देख पा रही हैं महिलाओं की स्थिति में। अब चूंकि उन्हें अवार्ड से सम्मानित करते हुए ये बताया भी जा रहा है कि आपका योगदान जो है हर क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है, तो आज की परिस्थिति में आप महिलाओं को कहाँ देखती हैं? अब महिलाएं, लड़कियां, हर किसी की अलग अलग जगह है, हर कोई काम कर रहा है और निरंतर आगे बढ़ रहे हैं लोग। पहले जो एक दकियानुसी विचारधारा से हम लोग जूझ रहे थे, अब उन चीजों को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आई एम फीलिंग सो हैप्पी दैट हम लोग बहुत ग्रो कर रहे हैं आज के डेट में, एंड आगे आने वाला समय हमारा होगा। बिल्कुल। तो अक्षरा, क्योंकि हम आपने तो लड़कियां अपनी हैं, हम लड़ सकते हैं भाई। बिल्कुल, और जो चीज मांगने से ना मिले उसे लड़कर हासिल करना हमें आता है, तो हमें पता जी, है कि भाई छीनना पड़ता ये है। हम डिजर्विंग जी है। और जी जी अक्षरा जी से बेहतर इस बात को कोई और नहीं बता सकता है कि अपनी जगह नहीं, बनाने के लिए कितनी चुनौतियां उठानी बहुत पड़ती हैं, लेकिन उन चुनौतियों पर भी विजय हासिल अक्षरा ने जरूर किया। अक्षरा, अभी हाल के दिनों में एक खूब चर्चा चल रही है, जब हमारे बिहार की बात होती है तो भोजपुरिया समाज जो है वो उसके अंदर एक बेचैनी आ जाती है कि भाई क्या हम भोजपुरिया समाज के लिए भी हमारे कलाकार कुछ बेहतर करेंगे, और वो भी तब जब आप भोजपुरी समाज से निकलकर हिंदी फिल्म जगत में उन तमाम स्थितियों में पहुंच रही हैं जहां पर अपनी बात को आप रख सकती हैं, तो भोजपुरी के लिए क्या अक्षरा आवाज उठाएंगी? ऑफ कोर्स मैं तो उठाती ही रहती हूँ। आई मीन जिस एक जमाना ऐसा रहा है जिस चीज से मैं भी बहुत गुजर चुकी हूँ, जब लोग आपको बहुत निम्न स्तर की नजरों से देखते हैं ना, कि अरे यार कहाँ से आए हैं ये, भोजपुरी से हैं या भोजपुरी से। बेशक हमारा नाम हुआ है, दैट डजंट मीन कि भोजपुरी इज चीप। हमारे जैसे कलाकार भी एग्जैक्टली एग्जिस्ट कर रहे हैं भोजपुरी में, जो भोजपुरी को रिप्रेजेंट करने के लिए एड़ी चोटी एक कर देते हैं। तो पहले से चीजें तो बहुत बदली हैं, तो हमेशा मैं आवाज उठाती रहती हूँ अपने स्तर से जहां जहां हो सके। एंड व्हाई नॉट, अगर मौका मिले तो हर एक एक्टर, हर एक कलाकार अपने अपनी फील्ड में माहिर बनना चाहता है या अच्छा काम करना चाहता है, हर दिन ग्रो करना चाहता है, मैं भी उस कोशिश में लगी हूँ। और ना सिर्फ भोजपुरी, भोजपुरी का बेहद सम्मान है, उसके साथ साथ हिंदी में भी काम चल रहा है। कहीं ना कहीं जो भी हो रहा है वो आपके सामने आ ही रहा है। बिल्कुल अक्षरा, तो फिर अभी अपकमिंग आपके क्या प्लान्स हैं, क्योंकि आई मीन आई अक्षरा डोंट को वॉन्ट टू लोग हर रिवील तरीके इट। से देखना चाहते हैं। नो नो, दैट्स आई थिंक कंप्लीटली वो सरप्राइज रहेगा अपने दर्शकों के लिए। और मैं कुछ भी अभी बताना नहीं चाहती हूँ, ओके क्योंकि फाइन, आप लोग बहुत हम तेज इंतजार होते हो। आप करेंगे। लोग ना तुरंत तुरंत न्यूज़ निकाल के पहले ही सब हमारी कोशिश ये होती है कि जब बात बिहार की होगी ना, तो भाई बिहार के चाहे कलाकार हों चाहे किसी भी क्षेत्र में, आज देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैथिली ठाकुर को सम्मानित किया है, तो हमारे लिए तो वाओ, चाहे वो अक्षरा हो कांग्रेचुलेशंस या मैथिली टू हो, हर। ये बहुत बहुत गर्व वाला क्षण है। बहुत बहुत गर्व की बात है मेरे लिए भी। मैथिली मेरे लिए मेरी छोटी बहन जैसी है, और मैं बहुत मानती हूँ पर्सनली उसे। एंड आई एम सो हैप्पी दैट कि इतना बड़ा अचीवमेंट उसने हासिल किया इतने कम उम्र में। और बहुत बिग क्लैप होना चाहिए उसके लिए, सल्यूट है। अक्षरा, चूंकि पीएम की तरफ से ये इनिशिएशन जिसमें न्यू क्रिएटर्स को अपॉर्चुनिटी मिलना, उन्हें सम्मान मिलना उनके काम के लिए, आप इसे कैसे देखती हैं? मैं ये एक तरीके से अचीवमेंट है,
क्रिएटर भी हैं तो वो अपने जगह पे दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो क्रिएटर्स को भी कहते हैं कि अरे यार क्या है, उठ के आ जाता है कैमरा लेके कुछ भी। अरे उसमें भी मेहनत लगता है यार, करके तो देखो, घर बैठ के एग्जैक्टली टिप्पणी करने से अच्छा है आप मेहनत तो करो। सो जो जहां जैसा कर रहा है दे आर डूइंग ग्रेट, एंड आज नहीं तो कल वो जगह मिलेगी ही। अगर मेहनत करेंगे तो हर वो मुकाम हासिल आप कर पाएंगे, चाहे वो जिस भी जगह पे हो। अक्षरा, राजनीति में थैंक कब आ यू, रही हैं? थैंक यू सो मच। आई थिंक 5 मिनट से ज्यादा हो गया एंड आई हैव टू लीव, मेरा शो है लेकिन अभी इस एक सवाल बजे का जवाब बिना दिए अक्षरा हम आपको क्या जाने क्या नहीं देंगे। देखिए, राजनीति की जब बात होगी अक्षरा, क्या आप राजनीति में आने के लिए अब तैयार हैं? नहीं, अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं है इस बारे में, तो जब सोचूंगी लेकिन आप आपकी लोगों को चर्चा पता बहुत चल हो रही है जाएगा। अक्षरा। अरे कलाकार हूं मैं, मेरी चर्चा नहीं होगी तो मेरा कलाकार होने का फायदा क्या है मैम? नहीं, बतौर आई एम राजनीति में अक्षरा आने के सिंह, लिए आपकी आई मीन बिल हर फील्ड एग्जैक्टली में एग्जैक्टली अक्षरा का चर्चा होना बेहद जरूरी है। इफ यू अक्षरा, डोंट क्या नो दैट, इफ आसनसोल यू आर से नॉट लड़ेंगी चुनाव? हाँ क्या आसनसोल से अक्षरा को मौका मिला तो लड़ेंगी? सी, अभी मैं अपना काम कर रही हूँ और अभी 1 घंटे में मेरा शो है, मुझे मेकअप करना है, रेडी होना है। सो बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।